हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का जो सिलेबस होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो सेमेस्टर होता है जो बीएससी एग्रीकल्चर होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये सिलेबस है, ठीक है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे यहाँ पर हमने सिलेबस को डिस्कस किया है। सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या क्या है बीएससी एग्रीकल्चर में, सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के बारे में बात करेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमेस्टर की। तो सेमेस्टर में सबसे पहले बात होगी अब जो सब्जेक्ट, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का है, कितने क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट का है, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। दूसरा आपका आता है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी आपका क्या है, 2-3 क्रेडिट का है। कोड नंबर भी आप देख सकते हो क्या क्या कोड होता है इनका, 101 102, ठीक है। ये आपका एमएसयू, जो एमएसयू मास आकुमरी यूनिवर्सिटी है उसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये सिलेबस है, ठीक है। बाकी फंडामेंटल ऑफ आप देख सकते हो, अगर कहीं और भी यही लागू हो रहा होगा ये सिलेबस तो आप चेक कर सकते हो, बट हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस, ठीक है, कोड नंबर ये। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, पहले मैं हिंदी में ही बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो हिंदी में सुनना चाहेंगे। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी उद्यान, अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान के मूल तत्व, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान बोलते हैं। दूसरा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स होता है आपका, ठीक है, अनुवांशिकी। सोयल साइंस मृदा विज्ञान, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी आपका फिजियोलॉजी, ये 2 क्रेडिट का होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री 2 क्रेडिट का है। एनिमल हजबेंड्री, एनिमल पशुपालन, पशु प्रबंधन या पशुपालन आप कह सकते हो। इंग्लिश स्किल का है 2 क्रेडिट का है। एग्रीकल्चर हेरिटेज है 1 क्रेडिट का है। इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी बेसिक एग्रीकल्चर आपका 2 है, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बेसिक एग्रीकल्चर ये 2 क्रेडिट का है। अब कहीं पर स्टूडेंट लिखा है, देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर फर्स्ट भी लिखा है और एग्रीकल्चर सेकेंड भी लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर फर्स्ट और एग्रीकल्चर सेकंड लेना है तो इसमें आपको, अगर आप मैथ के हो तो आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, अगर आप बायोलॉजी के हो तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, तो आप इसे देख सकते हो। दूसरे में बात करेंगे हम एनसीसी, ये आपका योगा प्रैक्टिस होता है, ठीक है, इनके कोड आप देख सकते हो। सेमेस्टर 2, कितने सेमेस्टर होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, 1 से 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं, 1 से 8 सेमेस्टर। आज हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे केवल। तो फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी देख सकते हो आप, फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, एंटमोलॉजी है, कीट विज्ञान, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, एग्री इकोनॉमिक्स यानी कि एग्रीकल्चर अर्थशास्त्र, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी है आपका, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वेजिटेबल स्पेसिस यानी कि वेजिटेबल सब्जी विज्ञान और उसकी जो भी आपका सब्जी विज्ञान हो, जो भी मसाले होते हैं उसकी यहाँ पर स्टडी की जाती है, 2 क्रेडिट का है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है कि कृषि प्रसार जिसे बोलते हैं, कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। सेफ टू फूड प्रोसेसिंग है एंड सेफ्टी इशू आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स के बारे में भी बात होगी कि क्या वैल्यू होती है उनकी, इथिक्स, इथिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका 2 सेमेस्टर है। अब आता है थर्ड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर, थर्ड सेमेस्टर में आपका पहला है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, दूसरा आता है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप इसका प्रैक्टिकल भी होगा। फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग 3 क्रेडिट का है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव विज्ञान 2 क्रेडिट का है। एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉपरेशन 3 का है। फार्म मशीन एंड फार्म पावर 3 क्रेडिट का है। ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी। इंजीनियरिंग आपने पढ़ी होगी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसने थोड़ा सा उसके बारे में, टीलेज हैरो के बारे में आपने सुना होगा, हैरो कल्टीवेटर हल वगैरह सभी इसी में आते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आपका जो इंटीग्रेटिव पेस्ट मैनेजमेंट है या डिजीज मैनेजमेंट है उसके बारे में बात होगी। डिजास्टर इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर के बारे में बात यहाँ पर होगी। स्टैटिक्स मेथड, स्टैटिकल मेथड भी है, सांख्यिकी भी दिया हुआ है। फंडामेंटल सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, सोयल का, सोयल क्या होता है देखो, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, सोयल को कैसे कंजर्व आप कर सकते हो और वाटर को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो इसके बारे में ये बात होगी। फंडामेंटल ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये डेयरी साइंस का है आपका। डेयरी साइंस, आपको डेयरी साइंस के बारे में, आपको दूध दूध का कितने टेम्परेचर पर उबालना चाहिए, एसटीएलटी लॉन्ग टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड इसमें आएगा। अब आता है फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स है और इसका प्रैक्टिकल भी है रबी क्रॉप्स का। प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी है, बीज विज्ञान, प्रॉब्लमेटिक सोयल एंड देयर मैनेजमेंट, मतलब जो सोयल होती है उसकी प्रॉब्लम और उसका कैसे मैनेजमेंट करोगे। रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर द ऑर्नामेंटल क्रॉप, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, एम से मेडिसिनल, ए से एरोमेटिक, पी से प्लांट, ये हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है। आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, गार्डन्स, लैंडस्केपिंग क्या होती है, कहाँ किस तरह इसको डेवलप किया जाता है, पूरी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बताया जाएगा कि आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर आपको कोर्स है, पूरा सब्जेक्ट है एक। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज एग्रो मेट्रोलॉजी है, ठीक है, उसकी चेंज, वो किस तरह की क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पर होगा। एग्रो इन्फॉर्मेटिव के बारे में बात होगी, इसमें कंप्यूटर प्लस एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पोल्ट्री प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो मुर्गी पालन है उससे संबंधित यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट पाँचवें सेमेस्टर की बात करते हैं, पाँचवें सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो पाँचवें सेमेस्टर में सबसे पहले आता है रेनफीड फार्मिंग या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी कि शुष्क भूमि खेती, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर आप कौन सी फसल लो। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का है, खरीफ क्रॉप, पेस्ट ऑफ क्रॉप, जो ग्रेन होते हैं, अनाज वगैरह होते हैं, उनके अंदर पेस्ट लग जाते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, उसका ट्रेडिंग क्या है, प्राइस क्या है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस होते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है, सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि ओपन एरिया में ना हो आकर आपको एक कवर्ड एरिया में, यानी जैसे पोली हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह में आपको जो उगाना है उसकी टेक्निक वगैरह सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि डिजीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी बीमारी लगती है उसके बारे में, उनका क्या निदान है, वो सब कुछ। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट प्लांटेशन, जो भी फ्रूट प्लांटेशन है, जैसे कोकोनट है, कॉफी है, टी है, इनके बारे में आपको बताया जाएगा, इनकी खेती के बारे में आपको बताएगा, कल्टिवेशन के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल क्या है आपका, कैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी उसके बारे में कम्युनिकेशन, आपको बात कैसे करना है, क्या तरीका है होना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस और न्यूट्रिशन वैल्यू, फूड साइंस क्या है, इसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है, हमारी बॉडी में क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स क्या क्या काम करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर फूड एंड साइंस में आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद आते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड निमोटोलॉजी, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आगे हम बात करें छठे सेमेस्टर, तो छठे सेमेस्टर में अगर बात करें तो फार्मिंग सिस्टम है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फार्मिंग कितने प्रकार से की जाती है, कितने प्रकार से आप जैसे मिक्सड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग बहुत सारे होती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, आप क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम को आप यहाँ पर डिस्कस करोगे, ठीक है, एक फसल को उगाना, दो फसल को, सभी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएगी। क्रॉप इंप्रूवमेंट के बारे में बात होगी कि आप कौन कौन सी फसलों को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं रबी में। मैन्यूलिंग फर्टिलाइजर, सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर आप वो सिखाया जाएगा। फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, रिसोर्स इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। डिजीज ऑफ फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, कौन कौन सी फील्ड क्रॉप हैं हॉर्टिकल्चर में जिनमें बीमारियाँ लगती हैं, उनका समाधान कैसे आप करोगे। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और मैन्यूलिंग वैल्यू एडिशन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये कह रहा है कि वैल्यू एडिशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू को ऐड करके उसको वैल्यूएशन करना। जैसे मान लो हमने गुलाब है,
आपने गुलाब गुलाब को का कल्टीवेशन किया, रोज का कल्टीवेशन किया, लेकिन रोज को अगर आप बेचोगे तो आपको 50 रुपये या 100 रुपये का जाएगा, लेकिन अगर इसके ऑयल को आप एक्सट्रैक्ट करके बेचोगे तो उसका मतलब ऑयल ज़्यादा महंगा जाएगा। तो यानी कि आपने क्या किया, रोज की वैल्यू को एडिशन कर दिया, रोज की वैल्यू को ऐड कर दिया, बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें वैल्यू एडिशन कहलाती हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट, ये वाटर वेस्टलैंड मैनेजमेंट और वाटरशेड, आपका वेस्टलैंड जो आपकी जो वेस्ट भूमि है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट, हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। एजुकेशन टूर है आपका 2 क्रेडिट्स का, एजुकेशन टूर्स में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। एक आता है आपका सातवां, ये होता है आपके सातवां जो होता है रावे होते हैं, RAWE, रावे, रावे मतलब रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, इसका पूरा नाम होता है रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। आपको बाहर जाना पड़ेगा, 6 महीने का कोर्स होता है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, रूरल एरिया में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सारी कैंपस ट्रेनिंग वगैरह डिफरेंट फैकल्टीज होती है, विलेज अटैचमेंट आपका होता है, यूनिट अटैचमेंट आपका होता है, प्लांट क्लिनिक आपके बारे में आपको सिखाया जाता है, एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट आपका रहता है, ठीक है। यानी कि पूरी चीज़ें जो भी आप जो भी रावे का एक्सपीरियंस 7-6 सेमेस्टर का, 7 सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा रूरल वर्क होता है, ठीक है। रावे कंपोनेंट इस तरह का है, इंडस्ट्रियल्स में सब चीज़ें लिखी हुई है, आप देख लेना, पढ़ लेना एक बार इनको, ये रूरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अटैचमेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं ये सब। टाइटल ऑफ मॉडल की बात करें तो 8 सेमेस्टर में आपके पास ये चीज़ें सब्जेक्ट रहेगा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और बायो एजेंट्स, फर्टिलाइजर, सीड एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मशरूम हो जाएगा, सोयल प्लांट वाटर एंड सीड टेस्टिंग होगा, कॉमर्शियल बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी आप कैसे पा सकते हो, पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर्स, ये सारे 10 क्रेडिट्स के कोर्स हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो, ये आपका पूरा सिलेबस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी है बीएससी एग्रीकल्चर का, ये आपका सब्जेक्ट के बारे में मैंने आज बात की है। कल अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा कि क्या क्या सिलेबस होते हैं, इनके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है, सिलेबस क्या होते हैं, ठीक है। कल हम ये नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी तो उसके बारे में बात हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।